आज ये क्वेश्चन है जिसमें इफ v इज इक्वल टू जीरो मीन्स वेलोसिटी जीरो है, इन दैट केस एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इन कैलकुलस फॉर्म दैट इज a इज इक्वल टू dv अपॉन dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी जब वेग चेंज करेगा तब एक्सीलरेशन होगा। तो अगर वेलोसिटी यहां पे जीरो हो गई, इन दैट केस एक्सीलरेशन आल्सो जीरो। इफ आई पुट जीरो हियर देन एक्सीलरेशन इज आल्सो जीरो, बट दिस केस इज ऑलवेज नॉट वैलिड, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे केस होते हैं जब वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्सीलरेशन त्वरण जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बॉल को थ्रो किया अपसाइड, आइदर वर्टिकल बिल्कुल सीधा और प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में इन दिस वे, तो इस पॉइंट पे जाने के बाद जब एपेक्स पे पहुंच जाएगी, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। लेकिन इसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि इस पे जी एक्ट हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन दिस केस एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, इवन द वेलोसिटी इज जीरो फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो है लेकिन इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। तो ये क्लियर है कि वेलोसिटी जीरो अगर होगी भी तब भी एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। नाउ सेकेंड केस देखते हैं, इफ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो। इसको भी देखते हैं, एज वी नो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अगर कोई बॉडी, लेट अस अस्यूम ये एक स्टूडेंट है जिसका नाम मोहित है और ये साइकिल चला रहा है या बाइक चला रहा है, और ये बाइक अपने घर से स्टार्ट की स्कूल के लिए, ये केवी में पढ़ रहा है, और अपने स्कूल तक 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट की और 20 मीटर पर सेकंड तक ही स्पीड से अपने स्कूल में पहुंचा। ना इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। नाउ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, तो हम यहां पे a इज इक्वल टू, जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो हम 20 लिख दिए मैंने, 20 मीटर पर सेकेंड, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जीरो। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया? जीरो। लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्सीलरेशन आपका जीरो हो सकता है। तो ये आपका शो करके दिखा रहा है, जस्ट अपोजिट केस। इस केस में क्या है? वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, बट इन दिस केस एक्सीलरेशन जीरो है वेलोसिटी जीरो नहीं है। ये दोनों ही केस हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का जीरो और नॉन जीरो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।